सभी को नमस्कार, अभिवादन। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, हम सभी शिक्षक जो करते हैं, उसमें ICT को किस प्रकार इंटीग्रेट करें। आज मैं चर्चा करूंगा कि कौन से टूल्स ऐसे हैं, सब्जेक्टिव टूल्स, जिनकी मदद से हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, अपने विद्यालय में ड्रॉप आउट कम कर सकते हैं, रोचकता बढ़ा सकते हैं। आज मैं उसकी चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे आपके जीवन के मात्र 15 मिनट लेना चाहता हूं इस चर्चा को कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे आज का जो एक हमने नई मुहिम हमारे जिला मुजफ्फरनगर के आदरणीय DIS सर, आदरणीय गजेंद्र कुमार जी के निर्देशन में एक नई मुहिम हमने शुरू की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय कम से कम एक डिजिटल शिक्षक, कम से कम एक, अधिकतम की कोई संख्या नहीं है ना। तो इसकी आज मैं चर्चा करूंगा। और इसमें इस कार्यशाला को आरंभ करने से पहले उसका विषय हम आपको बताते हैं कि आज का हमारा विषय है डिजिटल टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 25 दिवसीय, 7 दिवसीय विभिन्न कार्यशालाएं हम आयोजित करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, जिससे अधिक से अधिक डिजिटल टीचर बनाए जा सके, शिक्षक को डिजिटली इम्प्रूव किया जा सके और एक डिजिटल डिफरेंस जो शिक्षक और बच्चों के बीच, या बच्चों के बच्चे क्योंकि शिक्षक से बहुत ज़्यादा आगे हो गए, उस डिजिटल डिफरेंस को कम करने का एक प्रयास है। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, बुक के ऊपर ये हमने एक एप्पल, एक टूल्स, ICT टूल्स बुक के साथ जोड़ा है ना। उस टूल्स को, ये बहुत सारे टूल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे छोटे से मोबाइल में, हमारे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, और उनमें किसका यूज करें, कैसे यूज करें, कब इंटीग्रेट करें, और क्या इंटीग्रेट करना है, या वो ICT अलग ही एक सब्जेक्ट है, वो टूल्स अलग ही हैं, इन सबको समझने की ज़रूरत है। आज जैसे मैं चर्चा करने से पहले, ICT टूल्स शुड बी द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक और आवर प्रिपरेशन। कहने का अर्थ क्या है? सीधा सा अर्थ है कि कोई ICT टूल्स ऐसा नहीं है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट को ओवरऑल, जिसकी एक की मदद से आप समझा सकें। जैसे अगर मैं फर्स्ट ईयर इंटर को फिजिक्स पढ़ाता हूँ या टेंथ को फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो कोई ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है, वो जो हम पर जो टूल्स हैं वो बिखरे हुए हैं। अगर मैं ओल एप्स की बात करूँ, सिमुलेशंस की बात करूँ, एनिमेशंस की बात करूँ, डिफरेंट OER हैं, चाहे वो NCERT के साइट पर हों, स्वम की साइट पर हों, दीक्षा की साइट पर हों, ई ज्ञान गंगा पर हों, वो बिखरे हैं। वो हमें सबसे समस्या क्या है कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल फास्ट फूड हमें मिले शिक्षकों को और हम एक क्रम से उठाकर देते रहें, ऐसा नहीं, संभव नहीं है। तो जब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के लिए हमें ICT टूल्स को इंटीग्रेट करना होगा। निश्चित रूप से चर्चा आरंभ करने से पहले अपने आदरणीय DIS सर का एक सेंटेंस, जो कि हर वो कार्यशाला में कहते हैं, कि वो कहते हैं कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है, बिल्कुल सच है, 100% ट्रू, ब्लैक बोर्ड टीचिंग का कोई विकल्प नहीं है। कहते हैं कि ऑनलाइन के द्वारा टोटल पढ़ाई नहीं हो सकती, ऑनलाइन और ICT टूल्स आपस में मिले हुए जरूर है, पर आप ये, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन ही सब कुछ है। हाँ, ये जरूर है कि ICT टूल्स को इंटीग्रेट करना है, केवल ICT टूल्स की मदद से नहीं पढ़ाना है, है ना। तो इन चीज इंटीग्रेट करने की बात है। इंटीग्रेट मीन्स, जैसे अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, मान लिया मुझे यूनिट पढ़ाना है या लाइट में पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करूँगा, मैं ब्लैक बोर्ड टीचिंग करता हूँ बच्चों के साथ, और ब्लैक बोर्ड टीचिंग जब 3-4 दिन वो यूनिट पूरी हो जाती है तो उनका असेसमेंट करने के लिए ICT टूल्स का यूज करता हूँ, वर्कशीट बनाने में करता हूँ, वर्कशीट के साथ साथ उनको जो उसी टॉपिक की वीडियो जो होमवर्क के रूप में दे सकते हैं, डिफरेंट हम इंटीग्रेट करते हैं उसे। आइए, अपने टॉपिक में ICT को किस प्रकार इंटीग्रेट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन उठते हैं। व्हाट, हमें क्या करना है, व्होम, किसके लिए, भाई ICT टूल्स आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, व्हाई, हम क्यों उसका यूज करें, और हाउ, हम कैसे उसका यूज करें, इन डिफरेंट टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, व्हाट, सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या, भाई पर्पज क्या है ICT टूल्स को यूज करने का, उस टॉपिक में, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिसे मुझे कल पढ़ाना है। पर्पज क्या है, थीम, टॉपिक टू बी कवर्ड, वो टॉपिक क्या है जिसे मुझे कवर करना है, कैसे कवर करना है, ब्लैक बोर्ड टीचिंग के साथ साथ ICT को इंटीग्रेट करके कवर करना है।
है ना, और कंसेप्ट क्या है, कौन से प्रिंसिपल को मुझे क्लियर करना है, उसको मुझे सर्च करना होगा। वाई, आवश्यकता है या नहीं है, कहीं हम ECT टूल्स को अनावश्यक तो यूज नहीं कर रहे हैं कोई उस टॉपिक को पढ़ाने में, अगर हम चाहते हैं कि वो परफेक्ट है, बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा है, बच्चों में समझ जनरेट हो रही है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आ रहा है, तो हम उसकी आवश्यकता नहीं है। पर अगर हम चाहते हैं कि जो हम ट्रेडिशनल वे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस ट्रेडिशनल वे से हटकर कुछ करने की ज़रूरत है, तो वह हम यूज करेंगे, है ना। अब आता है हुम, किसके लिए, वो टारगेट ग्रुप क्या है। टारगेट ग्रुप मीन्स मेरे सामने के जो बच्चे हैं, वो जो मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे कॉलेज है, मेरा कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में है, तो वो मेरा टारगेट ग्रुप है। उनकी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे अपने टूल्स को उसका सिलेक्शन करना होगा। लैंग्वेज को देखते हुए, पता चला मेरे बच्चे ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं और मैं इंग्लिश मीडियम के टूल्स उठा लूँ या ऐसी साइट ले लूँ जो इंग्लिश में है, तो वो मेरे बच्चों के लिए बेकार होगी। तो यानी हुम बहुत अच्छा फैक्टर यहाँ है। रूरल अर्बन एरियाज, आप देखते हैं एरियाज का तो इफेक्ट पड़ता ही है, निश्चित रूप से शहर के बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं रहती हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, आवश्यकता भी है, हम कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वे से अलग होना हमारा एक तरीके से आवश्यकता है, मजबूरी भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो अब नई शिक्षा नीति आई है हमारी, उसमें भी डिजिटल टीचर ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है ना, वो आवश्यकता है आज की। टूल्स, हम कौन सा टूल्स यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसकी मैं चर्चा करूँगा। आइए एक टीपैक मॉडल की बात करते हैं। टीपैक मॉडल, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई उस समय हम पे केवल एक तरीके से अगर बात करूँ तो हम केवल पैडागोगिकल नॉलेज की बात करते थे और हम बात करते थे कंटेंट नॉलेज की, टीचर को पूरा माना जाता था। पर आज शिक्षक पूर्ण तब होगा जब वो टीपैक मॉडल के अनुसार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपने करेगा, एक टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी साथ में जोड़नी पड़ेगी। यानी वही बात है, ICT टूल्स को इंटीग्रेट करना होगा। यानी टेक्निकली हम स्ट्रांग हो, पैडागोगिकली हम स्ट्रांग हो, सिद्धांत हमें क्लियर हो अपने सब्जेक्ट के, और कंटेंट की नॉलेज तो हमें होनी ही चाहिए, तो वो कहलाता है टीपैक मॉडल। आगे अगर मैं चलूं कि जब हम कंटेंट की बात करेंगे, पिछले 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ सीखा है, आपने देखा होगा, अधिकतर नहीं 100% शिक्षकों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में। जितना कार्य टीचिंग, नुकसान बहुत हुआ देश का, समाज का, परिवार का, परंतु शिक्षक का, शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। हमने ई कंटेंट डेवलप किए, किस फॉर्म में, टेक्स्ट बनाए बच्चों ने, मतलब हमने एक तरीके से, कुछ टीचर्स ने बुक की फोटो लेकर भी भेजा, टेक्स्ट अपने आप से टाइप करके भी भेजा, एनिमेशन्स हमने बनाए, सिमुलेशंस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो बनाई, ग्राफिक्स बनाए, इन्फ्रोग्राफिक्स, ये सभी और भी डिफरेंट प्रकार के ई कंटेंट हैं जो उपलब्ध हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार इनको हम बनाएंगे। आइए अपने कोर्स को बनाने के लिए कैसे हम अपने कोर्स को डिजाइन करेंगे उसकी बात करते हैं। मान लीजिए ई कंटेंट डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा कि जो ये 25 दिवसीय कार्यशाला है या ई कंटेंट्स की 7 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले नीड्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट क्या हैं, कौन हमारे से सीखने वाले हैं, टारगेट ग्रुप जिसकी मैंने बात की, और जो करंट कैपेबिलिटी है वो क्या है, उसे हम कहेंगे एनालिसिस, है ना। जैसे आप अपने बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं, भाई आपका जो टूल्स हैं, अगर आप अपने बच्चों के लिए कोर्स डिजाइन नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा, और दूसरा अपनी आवश्यकता के अनुसार करेगा, आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार करना होगा। तो ये एक ADDIE मॉडल कहलाता है, और ADDIE मॉडल में ए है एनालिसिस, यानी सबसे पहले अपनी आप ज़रूरतों की, अपने आप टारगेट ग्रुप की और अपनी कैपेबिलिटी की एनालिसिस करेंगे। उसके बाद डिजाइन, उसके बाद हम क्या करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं हमारे, और एक कोर्स का हम डिजाइन करते हैं दिमाग में। जैसे हमने अपने दिमाग में बताया अभी, एक हमें एनालिसिस, हमें महसूस हुआ कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की ट्रेनिंग का अभाव है, बिल्कुल ट्रू है। जितनी ट्रेनिंग प्राइमरी शिक्षा, प्राइमरी सेक्शन में है, उतनी ट्रेनिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में नहीं है, और बेसिकली डिजिटल ट्रेनिंग तो बहुत कम है, शायद नहीं के बराबर है। तो
तो एक एनालिसिस किया, ज़रूरत है भाई, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हम वीडियो बनाना सीखें, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखें, हम मैटर को एक छोटे से सस्ते से मोबाइल में किस प्रकार गूगल ड्राइव पर सेव करेंगे जिससे हमारा मोबाइल भी हैंग ना करे, वो हम सीखें, उसके साथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम सीखें जो अपनी आवश्यकता अनुसार माध्यमिक विद्यालय के आवश्यकता के अनुसार, जहाँ लैब्स नहीं है वहाँ ओ लैब्स की बात करें, वहाँ हम फैट सिमुलेशंस की बात करें तो उनकी हम चर्चा करेंगे, तो वो हमारी नीड है ना। और कैपेबिलिटी मतलब जो मैक्सिमम टीचर हैं, अगर भले से जी मेल आई डी बने हुए 20 साल हो गए, बहुत से यूट्यूब चैनल को कई वर्ष हो गए, पर आज भी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनके कैपेबिलिटी यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर वीडियो अपलोड करने की नहीं है। मतलब बिल्कुल ग्राउंड स्तर से उसको हमने एनालिसिस किया। उसके बाद डिजाइन उन टीचर्स के लिए जो टेक्नोलॉजिकल अभी पुअर हैं, उनके लिए एक डिजाइन माइंड मेकअप हुआ कि भाई पहले मेल आईडी से शुरू करेंगे, फिर गूगल ड्राइव पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स बनाना, ग्राफिक्स बनाना, यूट्यूब, फिर वीडियोज़ बनाना, उसके बाद वीडियो को एडिट करना, इन डिफरेंट वेज की तरफ हम जाएंगे, वो डिजाइन हुआ। फिर डेवलप करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, उसको हम डेवलप करेंगे। इसी प्रकार आपको अपनी यूनिट के लिए ये करना है, एक यूनिट के लिए डेवलप के बाद इम्प्लीमेंट, जैसे वर्कशीट बनाते हैं है ना, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट के बाद एवेल्युएट करते हैं। तो इस प्रकार एक एडी मॉडल का आप यूज करेंगे ई कंटेंट डेवलपमेंट करते समय। अब आइए टेक्नोलॉजिकल जो टीपैक मॉडल है वो क्लासरूम में यूज क्यों करते हैं, हम क्यों यूज करना चाहते हैं उसे, देखिएगा, इंक्रीजेज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशनल, सीधी सी बात है, बच्चा तो खुश होता है, बहुत सी वीडियोज आपने देखी होंगी उसमें बच्चा बहुत अच्छे से जब पोर्टल पर या लैपटॉप पर काम करता है और गेम्स खेलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, मोटिवेट होता है, एंगेजमेंट उसका बढ़ता है और कॉलेज में ड्रॉपआउट की संख्या भी कम से कम होती चली जाती है, मोबिलिटी होती है, एक गतिमान रहता है दिमाग भी, और बच्चा सब कुछ भूल जाता है, कैन बी टाइम सेवर, टाइम सेवर टीचर्स का टाइम बचता है निश्चित रूप से, क्योंकि आपको ई कंटेंट इतना ज़्यादा बनाने की आवश्यकता इतना ज़्यादा नहीं है जितना ई कंटेंट ऑलरेडी डिफरेंट पोर्टल्स पर, गवर्नमेंट के पोर्टल्स पर अपलोडेड है, और उसको देखकर हम उसमें सुधार की नियमित आवश्यकता होती है, सुधार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जो है एक इंडिपेंडेंस बढ़ती है शिक्षक का, और टीचर स्टूडेंट वैल्यूएबल टूल्स फॉर फ्यूचर, आज हमारा समय चलता है पर 20 साल आज हमने अपने बच्चों को आईसीटी टूल्स नहीं दिए तो 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद वो जब जीवन में उतरेगा तब क्या होगा, उसको तो ज़रूरत होगी ना, हमें ज़रूरत हो या ना हो पर बच्चे को तो ज़रूरत होगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की, एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है, और हम बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं बच्चे की वो इम्प्रूव होती हैं, टीचर्स के साथ साथ बच्चों की भी इम्प्रूव होती हैं, टीचर्स की भी इम्प्रूव होती हैं, और एक हाइपोथेसिस जो वो एक तरीके से अपने सोच करता है, जो वो सोचता है वो कर पाता है, हाइपोथेसिस जनरेट होने लगती है, और ये आपका चलता है इसमें। इसके साथ साथ आइए मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ कि पूरी कार्यशाला में हमने किसकी बात की, सोशल साइंस के जितने टीचर्स हैं वो भुवन, मार्वल, गूगल अर्थ, windy.com, स्टेरेलियम, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, कैनवा, ट्रॉफी और नेशनल ज्योग्राफिकल किट्स, इन साइट्स का उपयोग करें। इन साइट्स का उपयोग करके मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि पूरे सोशल साइंस को एक ही कोई कवर नहीं कर सकता है, आपको अपने टॉपिक के अनुसार इनको छांटना होगा, और इनकी चर्चा अपनी कार्यशाला में हम डे बाय डे। सोशल साइंस के बाद इंग्लिश लैंग्वेज टूल्स की मैं बात करूँगा। इंग्लिश टूल्स के लिए हम विशेष रूप से लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हम बात करते हैं ऐसे टूल्स की जो हमारी राइटिंग को इम्प्रूव कर सके, लिसनिंग को इम्प्रूव कर सके, रीडिंग को कर सके, और स्पीकिंग को भी हमारी इम्प्रूव कर सके। इनके लिए जैसे मैं बात करता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच, आप क्रोम पर डालेंगे फ्रॉम टेक्स्ट टू स्पीच, और इस साइट पर जाकर आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट करेंगे या लिखेंगे तो वो उसको ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत ज़्यादा दिव्यांग बच्चों के लिए तो गजब का हथियार है। कैसे, आपको हिंदी में जीवनी बतानी है या आपको कोई स्टोरी इंग्लिश में है, सामाजिक विज्ञान की है, तो हम क्या करेंगे, उसके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अब वो टेक्स्ट ऑडियो फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी, और दिव्यांग बच्चों को जहाँ वो बच्चे आने में सक्षम नहीं हैं या बच्चे वो देख पाने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे दिव्यांग बच्चों को ऑडियो फाइल बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, उसका अपोजिट हम बोलेंगे वो राइट हो जाएगा, ऐसा हम गूगल डॉक्स पर जाकर भी कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट ऐप्स की हम धीरे धीरे बात करते हैं।
हम बात करेंगे गेम्स टू लर्न इंग्लिश, एक इतना अच्छा ऐप। जैसे बच्चे कोरोना के काल में आपके गेम्स जो डिफरेंट अलग तरह के गेम खेलेंगे, आपको पता तो होना चाहिए कि जूनियर क्लास का बच्चा है या सीनियर क्लास का बच्चा भी है तो वो इंग्लिश को सीख जाएगा, उसकी क्रिया वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, उन पर डिफरेंट गेम्स हैं। क्विजलेट के द्वारा भी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप फिलिप्टी पर बहुत ज़्यादा गेम है जिनका ऑनलाइन है और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप क्रॉसवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, है ना, अभी मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा इसका, क्रॉसवर्ड का। और इस प्रकार आप इंग्लिश के लिए बहुत सारे टूल्स का हम इनका उपयोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ, जो कि एक टिपिकल सब्जेक्ट सब लोग मानते हैं साइंस मैथ, और जबकि ऐसा नहीं है, सभी सब्जेक्ट बराबर हैं। डिफरेंट OER हैं, चाहे NCERT की वेबसाइट है, दीक्षा, स्वम, ई ज्ञान गंगा, बहुत से पोर्टल हैं जिन पर जाकर आप ये फ्री के जो ऐप हैं या फ्री की जो वीडियोज हैं जिनमें आप एडिट कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, बच्चों को भेज सकते हैं, उनकी हम चर्चा कर सकते हैं। ऑल ऐप्स हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ना के डिफरेंट सिमुलेशंस हैं, एनिमेशंस हैं, और ये एक जो हमारा भारत सरकार है उसका उपक्रम है, उनका आधार है, फैट सिमुलेशंस हैं, जिसमें फैट जो कि फिजिक्स के लिए शुरू हुआ और आज की डेट में फैट सिमुलेशंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन डेट मैथ तक इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, और ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्ज इसका नहीं देना है। हम मैथ्स के लिए, हम उस शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षक को अधूरा मानते हैं मैथ्स के जो जियोजेब्रा को नहीं जानता। जियोजेब्रा ज्योग्राफी प्लस एलजेब्रा, यानी जब हम पढ़ते थे हमें निर्मे प्रमेय से, हालांकि मुझे तो डर नहीं लगता था, फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा, परंतु जिन बच्चों को निर्मे प्रमेय थ्योरम से डर लगता है, अगर शिक्षक जियोजेब्रा का यूज करे निश्चित रूप से वो डर भाग जाएगा, आपकी क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी रोचकता बढ़ेगी। फ्री मैथ, वाकई फ्री, दोनों ऐप फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आप दोनों का, जियोजेब्रा क्लासिक और फ्री मैथ का आप यूज कर सकते हैं। इनका हम अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में, वर्कशॉप में इनको हम सम्मिलित करते हैं। हम आगे बात करेंगे असेसमेंट टूल्स की, यानी ये तो सब्जेक्टिव टूल्स हुए। अब जब हम सब्जेक्ट इसे अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे ICT टूल्स को, तो असेसमेंट तो हमें करना होगा। कोरोना काल में अधिकतर अध्यापकों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आई कि जी चलो पढ़ा तो देते हैं वीडियो से या आपने फोटो PDF भेज दिया, पर असेसमेंट कैसे करें। असेसमेंट का बहुत अच्छे तरीके के लिए हम यूज करते हैं गूगल क्लासरूम का, जिसमें बच्चों को हम असाइनमेंट भेज सकते हैं और वो असाइनमेंट बच्चा करके हमें भेजता है डिफरेंट फॉर्म में, गूगल सीट में भेज सकता है, अपनी कॉपी पर लिखकर उसका फ़ोटो खींच कर भेज सकता है, टाइप करके भेज सकता है, डिफरेंट फाइल्स के द्वारा भेज सकता है, और हर प्रत्येक बच्चे का इंट्रैक्शन सीधा शिक्षक से होता है। उसमें डिफरेंट शिक्षक बीच में नहीं आते जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाते हैं, डिफरेंट बच्चे नहीं आते, एक एक बच्चे पर ध्यान आप फोकस कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम की हम चर्चा कार्यशाला में करेंगे। हम कार्यशाला में चर्चा करते हैं गूगल फॉर्म की। गूगल फॉर्म एक केवल सूचना लेने देने का एक पोर्टल नहीं है, उसके साथ साथ बच्चों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये सब दिए जा सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कहूत, मेरा फेवरेट है कहूत ऐप, और कहूत ऐप के द्वारा जो फ्री में है, दो विकल्प हैं इसमें, ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़े इजीली दे सकते हैं। और कहूत के द्वारा हमने टेस्ट दिया, 60 बच्चे मेरी क्लास में हैं, उनमें से ये छाट देगा क्या, इस बात को सिलेक्शन कर देगा कि इनमें से किस बच्चे ने पूरा क्वेश्चन सीरीज की है, किसने नहीं की है, किसको कौन सा क्वेश्चन टफ लगा है, कितना परसेंट उसका है, अपने आप ही असेसमेंट कर देता है कहूत ऐप। और जो वीक बच्चे होते हैं उनके लिए हम दोबारा से असाइनमेंट बना पाते हैं, वो भी बहुत कम समय में, और बहुत इफेक्टिव ये टूल्स हैं, इनके हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ एक शिक्षक को PDF बनाना, JPG से मिलाकर PDF बनाना, PDF को JPG में क्या करना, डिवाइड करना, दो तीन PDF को मिलाकर कैसे एक PDF बनाई जा सकती है, iLove PDF के द्वारा या डिफरेंट और टूल्स के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। PowerPoint प्रेजेंटेशन को कैसे बनाएं, इनको भी शिक्षक को आना चाहिए, उसको भी चर्चा की जाती है। इन्फोग्राफिक्स हैं जो कैनवा के द्वारा या और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके द्वारा बन सकते हैं। वर्कशीट, जो रेमेडियल टीचिंग होती है, जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए डिफरेंट वर्कशीट हम बना सकते हैं, और उस डिफरेंट वर्कशीट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मैचिंग वाले, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, और एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, इनके हम आराम से कर सकते हैं, जिसकी चर्चा पूरी वर्कशॉप में आपसे होती रहेगी। स्पेसिफिक टूल्स, हाउ टू क्रिएट YouTube चैनल,
प्रत्येक शिक्षक का, मैं तो मानता हूँ प्रत्येक कॉलेज का, और प्रत्येक कॉलेज का साथ साथ प्रत्येक शिक्षक का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेक्टिव वीडियोज़ होने चाहिए, उन वीडियोज़ में भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। हम वर्ड क्लाउड की बात करते हैं, हम पैडलेट के द्वारा बच्चों का हम डिस्कशन करा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है, केवल इतनी सी बात है कि एक शिक्षक में सब्जेक्टिव टूल्स होने चाहिए, शिक्षक के पास असेसमेंट टूल्स होने चाहिए, और असेसमेंट टूल्स के बाद जैसे डिफरेंट पजल, अब न्यूज़पेपर में रोज आते हैं सुडोकू पजल आते हैं, गेम्स बना सकते हैं, एनिमेशन्स हम बना सकते हैं। तो इसके द्वारा एक टीचर में जो टीपैक मॉडल था, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के साथ साथ पैडागोगिकल और जो कंटेंट नॉलेज है वो सामूहित हो सकती है, इनके हम चर्चा करेंगे। आज मैं एक आपको डेमो भी देना चाहता हूँ कि एक टीचर किस प्रकार अपने सब्जेक्ट में आईसीटी टूल्स को इंटीग्रेट करे। जैसे मुझे यूनिट पढ़ाना है, तो यूनिट पढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने क्लास में ब्लैक बोर्ड पर गया, यूनिट बच्चों को पढ़ाया, पूरी यूनिट, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा आयतन का लीटर, मास का क्या होगा द्रव्यमान का ग्राम, ये मैंने बता दिए, चाहे वो नाइन्थ क्लास हो चाहे वो ट्वेल्थ क्लास हो, बताया मैंने। और उसको ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही कराई, किताब से जो बुक है उसके पास उसमें भी दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जब वो दो तीन दिन ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेरी हो गई तो मैं शामिल करूँगा, एक क्रॉस वर्ल्ड लैब पर गया, और यकीन मानिए मात्र दो या तीन मिनट लगे, और उसमें द्वारा मैंने ये एक आपका क्रॉस वर्ड बना दिया। क्रॉस वर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब ये यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है नंबर वन पर है और डाउन, तो बच्चा यहाँ पर जाकर लिखता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, HERTZ, और ये ऑनलाइन बनता है, इसका ऑनलाइन लिंक हम बच्चों को फॉरवर्ड कर देते हैं और बच्चा अपने मोबाइल से लैपटॉप से फिल कर सकता है। अब बात आती है कि वो तो लैब, बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, तो क्या हुआ आपके कॉलेज में आप अपने फ़ोन से या कॉलेज में जो कंप्यूटर लैब है उस पर द्वारा बना सके कर सकता है। दूसरा तरीका, ऑफलाइन भी इसका प्रिंट निकाल कर हम बच्चों को सैटरडे को, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि प्रत्येक सैटरडे में या हम डिफरेंट एज पर एक्टिविटी होंगी, तो एक्टिविटी इसका प्रिंट निकाला बच्चों को दे दिया, बच्चा फिल कर लेगा। ठीक, जैसे डेमो के रूप में बताता हूँ कि मैंने क्रॉस वर्ड का जो बनाया वो बच्चों को शेयर कर दिया उसका लिंक। अभी देखो बच्चों के पास ये मोबाइल पर या लैपटॉप पर वो उस लिंक को क्लिक करेंगे, और जैसे आया यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ मैं टाइप कर दूंगा हर्ज, HERTZ हर्ज। अब ये थ्री नंबर पर ये अब आया, तो थ्री नंबर पर यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, वो पारसेक लिखा था मैंने, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पारसेक। तो इस प्रकार एक यूनिट होने के बाद, एक चैप्टर को पूरा होने के बाद, अब ये बताइए आप मुझे कि क्या जो सुडोकू जो ये क्रॉस वर्ड हम डिफरेंट अपने टॉपिक के लिए बना सकते हैं। पर मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि ये हर प्रत्येक टॉपिक के लिए बन जाएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार डिफरेंट का मिलाकर एक कनेक्शन करना पड़ेगा हमें अपनी नीड के अनुसार, अपने बच्चों के अनुसार। अब बताइए इसमें 20 यूनिट हैं, अब इस 20 यूनिट को जितनी यूनिट हैं ये 20 की 20 यूनिट बच्चा आराम से सीख जाएगा, उसको कई बार उसे अच्छा भी लगेगा और गेम उसका होता चला जाएगा। अब आप दूसरा पहलू देखिए, मुझे यूनिटी पढ़ानी है, मैं फ्लिपटी पर गया, flipti.com पर, और फ्लिपटी पर जाकर मैंने सर्च किया कोई भी गेम। अब देखिए गेम ये डिफरेंट हैं, परंतु अपनी आवश्यकता के अनुसार मुझे गेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यूनिटी पढ़ानी है और मैं यूनिट पर ही जा रहा हूँ। देखो बोर्ड गेम यहाँ पर डिफरेंट गेम है, तो ये वर्ल्ड मैचिंग गेम है, तो ये फ्लिपटी की बात नहीं है, ये डिफरेंट बात आती है यहाँ से। अब आप देखिएगा इसमें वर्ल्ड सर्च है एक, तो जैसे ही मैं वर्ड सर्च पर जाऊंगा, अब मैं फ्लिपटी पर गया और फ्लिपटी पर वर्ड सर्च डाला साथ में, और ये वर्ड मैंने टाइप कर दिए जो मैंने बच्चों को सिखाने चाहता था। आपके सामने ग्राम, लीटर, मीटर, मोल, रेडियन, यानी मैंने 17-18 जो यूनिट्स हैं जैसे मास की, लेंथ की, वो सब यहाँ पर पोस्ट टाइप किया और टाइटल दिया उनका, वर्ड सर्च है यूनिट का, तो मैंने यूनिट में यहाँ लिख देता हूँ यूनिट। तो आप देखिए मतलब एक ही चीज़ को कितनी जगह हम दे सकते हैं, जनरेट करता हूँ, जनरेट जैसे ही मैं करता हूँ आप देखिएगा ये जनरेट होकर आ गया। जैसे ही मैंने जनरेट पर क्लिक किया तो मेरा एक ये सुडोकू टाइप पजल बनकर आ गया। अब देखो ये पजल में क्या होगा, ये बच्चों को हम भेज सकते हैं, प्रिंट निकाल कर भी दे सकते हैं। अब आप देखें पजल नहीं पसंद आया कि जैसे बाई चांस है, जैसे आपने देखा होगा कंपटीशन में भी क्वेश्चन वही रहते हैं, उनका क्रम बदल जाता है। आपने एक टेस्ट रखा बच्चों का, एक बच्चे को यह सीट दे दी और ये बोला कि भैया बेटा इसमें से 18 यूनिट को छाटो,
या तो नीचे होगा कहीं पर कहीं मिल जाएगा, देखो आप है ना, कोई भी यूनिट आपको सर्च करनी है ना, तो वो बच्चा इसमें सर्च करेगा, जैसे कैलोरी, CALORIE कैलोरी मिल गया ना मुझे। इस प्रकार डिफरेंट सीट बना सकता हूँ क्लिक करते के साथ, ये डिफरेंट सीट बन गई, यानी आगे पीछे के बच्चों को अलग अलग सीट निकाल कर भी हम दे सकते हैं, जबकि नॉर्मल ICT के टूल्स के बिना ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, और ये मात्र सेकंडों का काम है, यानी समय बचता है, बच्चे को मज़ा आता है, हमारा स्तर सुधरता है, और बच्चों को विभिन्न प्रकार से हम होमवर्क भी दे सकते हैं। तो यूनिटी हमने दो वे से अब तक बताया आपको, कैसे हम असेसमेंट भी कर सकते हैं बच्चों का, और यूनिट के लिए ही गूगल फॉर्म बनाकर दे सकते हैं, गूगल फॉर्म कहूत दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, नीचे चार विकल्प दे दिए, ट्रू फॉल्स दे दिए कि क्या लंबाई का मात्रा किलोग्राम है, ट्रू या फॉल्स। तो इस प्रकार हम असेसमेंट आराम से कर पाते हैं। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, एक मज़ेदार गेम। अब देखिए यूनिट को ही एक और वे में मैं बच्चों को दे सकता हूँ। मैं क्या कहा, worldart.com पर मैं गया, और worldart.com पर जाकर मैंने वही यूनिट मीटर, लीटर, वोल्ट जो मैं बार बार ले रहा हूँ है ना, उनको मैंने टाइप कर दिया, एक शेप ले ली साथ में, और शेप भी अपनी अपनी मर्जी के मैं ले सकता हूँ, कोई भी है ना, कोई एनिमल की शेप ले ली, कुछ भी आप ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको कोई भी एक शेप मैं लेकर दिखा देता हूँ, आपको जो फेवरेट हो, आपको क्रिसमस की ले लेते हैं, चलो क्रिसमस की कोई भी शेप मैंने ले ली, मान लीजिए यही शेप मैं ले लेता हूँ, और इस शेप को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉन्ट्स मैंने तय कर दिए हैं, उसको विजुलाइज करूँगा। अब देखिएगा विजुलाइज करने में कितना समय लगेगा, मात्र सेकंड समय लगेगा। यानी कहने का अर्थ क्या है, मैं ये नहीं कह रहा बार बार एक ही बात को, मैं कहता हूँ कि यूनिट को इसी के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, यानी यूनिट को याद कराने के, बच्चों के लिए रोचक गेम बनाने के बहुत से टाइप हो गए है ना। और देखिए आप ये कितना अच्छा सा ट्री मेरे सामने आ गया है ना। तो हम बच्चों को जब बुलाएंगे, अब बच्चों से कहेंगे देखो यहाँ क्लिक करेगा, देखो ये वोल्ट बड़ा हो गया, एम्पियर बड़ा हो गया, तो लक्स बड़ा हो गया, तो ये ग्राम हो गया, तो बच्चे आराम से इसमें सर्च करके कितना मज़ा लेंगे। और ये केवल लैपटॉप पर भी इसे भेज सकते हैं, मोबाइल निकाल सकते हैं बच्चे, डिफरेंट ऐप अपनी पिक्चर पर भी इसे अपलोड कर सकते हैं। और तो और, यानी आज मेरा उद्देश्य किसी ऐप की चर्चा करना नहीं था, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ICT को इंटीग्रेट करना होगा, और वो भी इंटीग्रेट करना होगा यूनिट के रूप में। एक यूनिट को हम गूगल फॉर्म की मदद से असेसमेंट करना चाहते हैं, या कहूत की मदद से, या इन डिफरेंट मदद से, या और भी बहुत से डिफरेंट पोर्टल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनकी चर्चा हम कार्यशाला में करते हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो भविष्य की योजनाएँ भी हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ICT से परिचित कराया जाए, उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, और जितना डिजिटल डिफरेंस है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।